मेरा उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है जहां सड़क ही यातायात का एकमात्र साधन है। चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना हो या अपने उत्पाद को किसी बाजार में पहुंचाना हो, सड़क पर ही निर्भर रहना होता है। गोपाल जी, आप पलायन वाले गांव से संबंध रखते हैं जहां से पलायन हो चुका है लोगों का और ख़राब सड़क की वजह से, तो किस तरह की दिक्कतें हैं कि लोग पलायन कर गए? ख़राब सड़क है, रोज़गार के साधन नहीं है और साथ ही साथ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उत्पादन इतना होता नहीं है, इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। और फिर सुविधाएं भी नहीं है, आम सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा का हो गया, सड़क का हो गया। लोगों को 12-12, 13-13 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है और सारे गांव सड़क की पहुंच से बहुत दूर है और सारे लोगों का राशन राइडसन से जाता है और इसलिए रास्ता पैदल चलने लायक बिल्कुल है ही नहीं। कई लोग जो हैं जो बीमार लोग हैं रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कई बार लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। 4-5 लोग चाहिए होता है तब कुर्सी में और 4 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, फिर पकड़ने के लिए 2 साथी, कम से कम एक मरीज को ले जाने के लिए 6 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दवाइयाँ होती हैं उसके लिए कैसे दिक्कत होती है? जैसे कुछ वहाँ पे या तो गैरसन आना पड़ता है या कर्णप्रयाग जाना पड़ता है, बाकी ऐसी कुछ सुविधाएं वहाँ पे है नहीं। कितने किलोमीटर दूर? गैरसन 13 किलोमीटर है भरारसन से, और सारकोट से बात करें तो 15 किलोमीटर। राज्य बने हुए 14 साल हो गए लेकिन सरकार अभी तक सभी गाँव तक सड़क नहीं पहुँचा पाई है, जिसके कारण गाँव के लोग अपनी आजीविका के विकल्प छोड़कर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए शहरों को पलायन करने लगे हैं। इसके लिए आप भी हमारी मदद कर सकते हैं और मुख्य विकास अधिकारी चमोली को 01372253419 पर कॉल करें। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण चमोली से मैं लक्ष्मी नोटियाल।